बात करेंगे बुरहानपुर की। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। तमाम सियासी पार्टी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है और बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए लोग सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि खादी के लिए खाकी भी छोड़ रहे हैं। इसकी एक बानगी बुरहानपुर जिले के आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट नेपानगर में दिखाई दी है। बता दें कि बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए एक सब इंस्पेक्टर ने अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 19 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद सब इंस्पेक्टर बिलर सिंह जमरे ने राजनीति में अपना भाग आजमाने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने नेपानगर सीट से कांग्रेस से टिकट की मांग की है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि उन्हें टिकट अगर नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमारे क्षेत्र की जो नेपानगर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पिछले 3 बार से बीजेपी के विधायक हैं। बाकी उन्होंने इतने लंबे समय रहते हुए भी कोई क्षेत्र के लिए कोई विकास काम नहीं किया है। हमारे क्षेत्र की जनता जो पलायन करती है रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाती है तो वहाँ उनका शोषण होता है, वहाँ पे उनको बंधवा मजदूरी बनाया जाता है और छोटे व्यापारी हमारे बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुँच गए। हमारे शिक्षा का स्तर देखिए तो शिक्षा का स्तर आज स्कूलों में बैठने के लिए बच्चों के पास टाटपट्टी तक नहीं, बेंच तो छोड़िए फर्नीचर तक नहीं है। तो एक और चीज़ है ये है कि स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति पहुँच गई। अब हॉस्पिटल में जाकर देख लोगे तो वहाँ लाइन लगी हुई पब्लिक के, वहाँ सही इलाज उनको नहीं मिल पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे सामाजिक संगठनों ने बोला कि जो वर्तमान के जो दावेदार हैं वो विधायक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। भैया हमने देख लिया एक नाम मात्र कठपुतली मात्र है, इनके पीछे कुछ और ही लोग हैं जो इनके नाम पर दूसरे ही विधायक करने वाले हैं। तो हमें हर बार की तरह ऐसा विधायक नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार चाहिए जो क्षेत्र की जनता का आवाज़ बन सके, उनके हित के लिए आवाज़ उठा सके। अगर विधानसभा में कोई अच्छा पढ़ा लिखा अगर उम्मीदवार जाता है तो क्षेत्र की समस्या, उनके जो शोषण हो रहा है, जो अधिकार है उनके लिए वहाँ उनकी बात रख सके।